भारद्वाज, राघवा एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 2020 के राशिफल के रूप में तोहफा लाई हूँ, जिसमें आप सब जानेंगे कि क्या इस नए साल में आपको नौकरी मिलेगी, या आपकी विदेश यात्रा होगी, या आपका विवाह होगा, या आपको मनचाहा साथी मिलेगा। हमारा ये राशिफल चंद्रमा की राशि पर निर्भर करता है। आपकी जो चंद्रमा की राशि है, उसी के हिसाब से आप अपना राशिफल देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही बृहस्पति महाराज आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जिस वजह से पिछले साल जितनी भी परेशानियां और बाधाएं आपके जीवन में थी, साल के शुरुआत में यही बाधाएं आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रही हैं। आपको आगे बढ़कर इस अवसर का फ़ायदा उठाना है। लेकिन शनि के दूसरे भाव में गोचर करने की वजह से आप बहुत कंजूस भी हो जाएंगे, लेकिन इस कंजूसी को अपने ऊपर इतना भी हावी ना होने दीजिएगा कि आप अपने कुछ बड़े कामों को रोक ही दें। अपनी वाणी पर ध्यान रखिएगा। साल के मध्य में आपके दूसरे भाव में ही शनि और गुरु यहीं पर वक्री हो जाएंगे। किसी से धन ना लीजिएगा, ना ही किसी को धन दीजिएगा, और ना ही कोई ऐसा वादा कर बैठिएगा जो आपके लिए आने वाले समय में नुकसान हो जाए। अगर आप नया व्यवसाय करने जा रहे हैं तो आप नया व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं और कोई भी काम करते हैं बिना निर्णय के, बिना सोचे समझे करते ही नहीं हैं। आपका लिया हुआ निर्णय इस साल भी आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। हो सकता है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए जो साल के जाते जाते आपके सपनों को भी साकार कर जाए। आय को लेकर ये साल उत्तम रहेगा। आप जिस तरह से कंजूसी करने जा रहे हैं इस साल में, उस साल आपकी जेब तो खूब भरी रहेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में बदलाव चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इस नौकरी में बदलाव साल की शुरुआत में ही कर लीजिएगा, क्योंकि दो बड़े महान ग्रहों का वक्री होना और राहु का सितंबर के महीने से आपकी ही राशि से छठे भाव में आना इस नौकरी के लिए कुछ नुकसान भी दे सकता है। इसलिए साल की शुरुआत में जल्दी से जल्दी मेहनत कीजिए और नई नौकरी ढूंढ लीजिए, नहीं तो साल के मध्य में यही नौकरी आपके लिए खराब रहेगी। आप मानसिक परिस्थितियों में उलझे रहेंगे। अगर आपकी बॉस या सीनियर से इस साल तालमेल नहीं बनती है, तो आपको हिदायत दी जाती है कि आप चुप ही रहिएगा। अगर आप बोले तो नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं तो ये साल विवाह के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं, हो सकता है वही आपका जीवन साथी भी बन जाए। और अगर आपका तलाक हो चुका है और आप नए सिरे से दूसरा विवाह करने जा रहे हैं, तो सितंबर के बाद स्थिति बहुत ही उत्तम रहेगी। आपको एक ऐसा साथी मिलेगा जो आपके पुराने जीवन साथी की खटास आपके जीवन से हटा देगा। आपके लिए एक हिदायत है कि किसी महिला मित्र से अवश्य सावधान रहिएगा, क्योंकि साल के मध्य में सितंबर के आसपास कुछ ऐसा साथी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है जिसकी नज़र आपकी जेब पर होगी। हो सकता है वह आपकी भावनाओं से भी खेले। वैसे तो आपकी भावनाओं से खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन कभी कभी ग्रहों की चाल या वक्त ऐसा हो जाता है कि हमारी बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है। उस समय में अपनी बुद्धि को भ्रम में फंसने से बचाएं, जो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। आपके लिए कुछ उपाय हैं। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। इस पाठ करने से आपके जीवन में जो आपको धोखा देने की सोच रहा है या बाधाएं आ रही हैं, इस चालीसा के पढ़ने से आपको संघर्ष से लड़ने की ताकत आएगी और लोगों में परख करने की भी आपको सूझबूझ मिलेगी। हनुमान चालीसा के साथ साथ आपको हर बृहस्पतिवार को चने की दाल भी मंदिर में अवश्य दान करनी है। इसी के साथ हमारा 2020 राशिफल समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक का बटन भी अवश्य दबाइएगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी या न्यूमरोलॉजी से जुड़ी कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में आप अपने सवाल जरूर दीजिएगा। मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों का जवाब भी दूँगी और आपके कहे अनुसार नई वीडियोज़ भी बनाऊँगी। नमस्कार।